ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ टमाटर के पापड़ की रेसिपी। केवल 5 टमाटर से ढेर सारे 50 से भी अधिक पापड़ बनके तैयार होंगे। बहुत टेस्टी, बहुत इजी है, आप इसे घर पे आराम से बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो उसके लिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पहले हम ले लेंगे 3 आलू मैंने लिया है और 5 टमाटर लिया है। आलू को हम धो के छील लेंगे, छील के अच्छे से भी धो लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। टमाटर को भी हमें उसी आलू में ही काटना है। जब हमें पीसना है दोनों को साथ में तो हम एक ही साथ काट लेते हैं। टमाटर को भी अच्छे से धो लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और एक मिक्सी ग्राइंडर लेना है, उसमें हम आलू टमाटर को अच्छे से पीस लेंगे। एक कटोरी पानी ले लेंगे और पानी की सहायता से हम आलू और टमाटर को बारीक पीस लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे उसका। और इसे छन्नी से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि टमाटर में छोटे बीज रहते हैं, आलू के भी छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसे छान के किनारे कर लेंगे। अब देखिए कितना गाढ़ा प्यूरी तैयार हो चुका है। अब हमें देखना है कि ये प्यूरी कितनी है, उस हिसाब से हमें इसमें पानी डालना होगा, ऐड करना होगा। तो पहले हम प्यूरी कोई भी आप नाप ले सकते हैं, कोई कप कटोरी किसी भी चीज़ से नाप ले लीजिए कि ये प्यूरी कितनी है। तो ये हमारी प्यूरी पूरी 4 कप के लगभग है। लास्ट में जो स्टार्च बचता है उसमें थोड़ा पानी डाल के निकाल लेंगे, तो पूरी टोटल जो है 4 कटोरी हमारी जो है प्यूरी निकली है। तो इस हिसाब से हम इसमें 5 कटोरी के लगभग हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर है तो ऑलरेडी उसमें पानी होता है, तो हम ज़्यादा उसका दुगना नहीं डालेंगे, उससे जो है 1 कटोरी अधिक पानी ऐड कर देंगे। 4 कटोरी हमारी प्यूरी थी तो हम 5 कटोरी के लगभग पानी ऐड कर देंगे। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में सारी प्यूरी को डाल देंगे और धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ध्यान रखना है कि ये ना हमें ज़्यादा इसे मीडियम करना है, ना हमें इसे तेज फ्लेम पर तो बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना सब जल जाएंगे। और चलाते रहना है बराबर, ये गाढ़ा होने लगेगा। देखिए अभी से 10 मिनट ही बीता है और ये गाढ़ा होने लगा है। पापड़ बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं है, सारी मेहनत इसी समय होती है। 20 से 25 मिनट हमें इसे पकाना होता है। और फिर देखिए, चूँकि टमाटर में हमने आलू डाला है, पानी डाला है, तो इसका कलर तो ओरिजिनल रह नहीं जाता, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे। नमक बहुत ध्यान से डालना है, मैंने आधा चम्मच डाला है क्योंकि सूखने के बाद इसमें ऑलरेडी नमक तेज हो जाता है। प्यूरी अब काफ़ी गाढ़ी होने लगी है। इसे चेक करने का तरीका है कि आप इस तरीके से पलटे हुए देखिए, मैंने थोड़ा सा लाइन खींची है, और अगर ये मिल जाता है यानी बह के ऊपर नीचे आ जाता है लाइन के, तो समझिए अभी और पकाना है। और अगर लाइन बिल्कुल वैसी बनी है, बह के नीचे नहीं आ रहा है आपकी प्यूरी, तो बिल्कुल सही बनी है। और इसे ठंडा होने दीजिए। और इसके बाद इसमें आप मसाले ऐड कर लीजिए जो आप पसंद करते हो। मैंने इसमें केवल लाल कुटी मिर्च डाली है और कुछ नहीं डाला है। ठंडा होने के बाद एक मोटी पन्नी में इस तरीके से आप कल्चर की सहायता से निकाल के पापड़ की तरफ फैला सकते हैं। मोटा चाहते हैं तो आप इस तरह से गोल बिल्कुल ना डालें, आप डालेंगे अपने आप जितना जगह ले ले उतना ही गोला रहने दीजिए, तो अच्छे बनते हैं। और 50 से अधिक पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं और देखने भी बहुत अच्छा है, लाल लाल सा, और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी आया है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और इसको तलते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि आलू के पापड़ जब तलते हैं तो उसका तेल बहुत हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन इसके लिए बहुत हल्का तेल गर्म रखें, क्योंकि बहुत पतला होता है और बहुत जल्दी ही सिक जाता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती इस पापड़ के लिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत उतने ही कुरकुरे भी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कुरकुरे बन के पापड़ तैयार हुए हैं। तो ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ट्राई ज़रूर करिएगा तब बताइएगा। मैं फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।